अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तस्नीम खान। तो आज मैं अपनी किचन में बनाने वाली हूँ चिकन अंगारे की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होती है, तो आइए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट। तो जिसके लिए मैंने ले लिया है 700 ग्राम चिकन, इसे मैंने वॉश करके रख लिया है। 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिए हैं। 150 ग्राम मैंने दही ले लिया है। 2 अनियन ली है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है इस तरह से। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ले लिया है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ले लिया है, एक और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। 3 टमाटर लिए हैं मैंने, इसका बारीक पेस्ट बनाकर रख लिया है। 4 गुड़ लिया है मैंने स्मूथ के लिए। और यहीं पर मसाले लिए हैं मैंने, 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली, सूखी मिर्चें ले ली हैं, और 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया ले लिया है खड़ा, और 4 से 5 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इसे मैंने रोस्ट कर कर इस मसालों को हमने रोस्ट करके मैंने इसे ग्राइंड करके रख लिया है। तो आइए हम अपना चिकन मैरिनेट करके रख लेते हैं। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हम हाफ ऐड करेंगे, हाफ हम ग्रेवी में लेंगे। मसाला हम पूरा ऐड कर देंगे इसमें। हाफ सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ गरम मसाला हम ऐड करेंगे, और हाफ ग्रेवी में डालेंगे। हल्दी पाउडर पूरा ऐड कर देंगे, रेड चिली हाफ, हम दही ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 45 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक के लिए हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। तो जिसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को हमने अपने गर्म कर लिया। अब इसमें हम अपना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अपने हिसाब से डालें, मैं ये 2 बड़े चम्मच में ऐड कर रही हूँ। तो ऑयल को हम अपने गर्म हो जाने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें अपनी अनियन ऐड कर देंगे इस तरह से खोल कर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। तो अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसकी सारी कच्ची स्मेल निकल जाए। तो जिंजर गार्लिक को हमने अपने 2 मिनट तक बिल्कुल मीडियम आंच पर भून लिया है। तब इसमें हम अपनी टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। इसे भी हम अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे और यहीं पर अपना नमक ऐड कर देंगे बचा हुआ। अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हमने अपने टमाटर को, तब इसमें हम अपना दही ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। दही डालकर हमने 2 मिनट तक भून लिया। अब इसमें अपना गरम मसाला ऐड कर देंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लेंगे 2 मिनट तक इसे भी। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है।
बहुत ही मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसकी। तो चिकन को रखे हमारे 45 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। तो आइए अब इसमें अपने चिकन को हम अपने तो मसाले को डालकर गरम मसाले को भून लिया हमने 2 मिनट तक। अब इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। तो हमने इसे अपने चिकन को इसमें ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन को हमने अपने सारे मसालों के साथ सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे उसी बाउल से जिसमें हमने चिकन अपना मैरिनेट करके रखा था, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाएंगे चिकन के टेंडर होने तक। तो 5 से 7 मिनट तक हमने अपने चिकन को टेंडर कर लिया है। ये अच्छी तरीके से पक चुका है, चिकन भी हमारा टेंडर हो चुका है। तो इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसे और कुक कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इस तरह से कटी हुई अदरक लंबे स्लाइसेस में हमने इसे कट कर लिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे 2 से 3 मिनट तक हम और कुक कर लेंगे। देखिए कितना शानदार सा इसका कलर आया है। तो 2 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरीके से कुक कर लिया। अब इसमें अब गैस हम अपना बंद कर देंगे और इसे हम दे देंगे चारकोल का स्मोक। तो इसके लिए हमने एक कटोरी ले ली है, इसमें चारकोल रखेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। इसे बंद कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चारकोल की स्मॉल हमने इसमें दे दी है। अब इसमें हम इसको हम निकाल लेंगे कटोरी को। तो आइए अब इसे हम आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी शानदार सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। तो इसे हम हरा धनिया से गार्निश कर देंगे, थोड़ी सी हम अदरक इसमें ऐड कर देंगे इसे स्लाइसेस में कटी हुई। आप इसे तंदूरी नान तंदूरी के साथ और इसे चपाती रोटी के साथ और जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जाइए आप भी बनाकर खाइए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।